अभी बच्चों के दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस रिजल्ट लाइक सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, बहुत कुछ बच्चे ऐसे भी मैसेज कर रहे हैं, बोले सर नींद नहीं आ रही, ठीक है कि दिमाग किसी जगह नहीं लग रहा, कुछ भी देखो रिजल्ट ही याद आ रहा है एकदम। एक बच्चे ने मैसेज किया, बोले सर जिंदगी एकदम मीम जैसी हो गई है, पानी भी देख के यही याद आ रहा है कि इसी में डूबने की नौबत ना आ जाए कि रिजल्ट आने पर। मैं समझता हूँ ऐसी एंग्जाइटी बहुत नॉर्मल है और रिजल्ट के दिनों में ये होनी है, बहुत बहुत कॉमन सी चीज़ है। और अभी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं कि भैया रिजल्ट आने का तो डेट डेफिनेट हो गया 30 तारीख, क्या रिजल्ट आएगा, क्या पासिंग परसेंटेज आएगी, और उससे भी ज़्यादा कि हम खुद पास होंगे कि नहीं। पासिंग परसेंटेज से ज़्यादा वो चीज़ मैटर करती है कि हम खुद पास होंगे कि नहीं, ठीक है, कि क्या हम सही रिजल्ट पहुंच पाएंगे या नहीं, ठीक है, रिलेटिव्स को क्या जवाब देंगे। अब अगर कोई दोस्त है जो सेम फील्ड में है या कोई फैमिली रिलेटिव है सेम फील्ड में, तो वो भी मैसेज कर रहा है, ठीक है, घर में पता चल गया है रिजल्ट है। अब बार बार दिमाग यही प्रोसेस करे जा रहा है कि रिजल्ट है रिजल्ट है रिजल्ट है। मैं समझता हूँ सारी चीजें, और ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन है, ठीक है। अब हाउ डू यू कॉम्बैट दिस। देखो सर रिजल्ट तो 30 तारीख के पहले आएगा नहीं, आज है 28 तारीख, ये अनाउंसमेंट 25 तारीख को आई थी, तो लड़ाई 5 दिन की है, ठीक है। अगर आप इंटर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो भी अभी आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दी थी। मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ यू, मतलब 9 out of 10 पीपल। और अगर आप फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि नोइंग द फैक्ट कि आपका अटेम्प्ट नहीं निकलेगा, इवन अभी भी आप नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि जो इंटर में थे चले गए शुरू कर दिया, वो इस डर में है कहीं फेल तो ना हो जाऊं, तो थोड़े दिन रुक ही लेता हूं, अब नर्वसनेस आ रही है दिमाग। जो फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे वो अब एक अनक सी उम्मीद में है कि चल थोड़े दिन रुक ही जाता हूं, मैंने पढ़ाई तो शुरू कर ही दी है फाउंडेशन की, क्या पता रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए और मेरे को वापस ना पढ़ना पड़े, चमत्कार हो जाए। मैं समझता हूं और मैं मानता हूं कि चमत्कार हो भी सकता है, बट इस चमत्कार के चलते आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे। चलो मैं ये भी मान लिया कि पढ़ाई नहीं हो रही, चलो एक बार्गेन करते हैं, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ 2 घंटा पढ़ना, ठीक है, सिर्फ 2 घंटा, ठीक है, दिन में सिर्फ 2 आवर्स, और इस 2 घंटा पढ़ने के बाद आप 1 घंटा सीरीज देखना, ठीक है, सोना नहीं, सीरीज देखना या टीवी देखना या गेम खेल लेना, उसके बाद आप 1 घंटा पढ़ना, ठीक है, और फिर आप 2 घंटा टीवी देखना, ठीक है। ऐसे करते करते शाम हो जाएगी, रात में ये चीज रिपीट करना और 12 बजे के अंतर अंतर सो जाना, ठीक है, और बीच में आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करनी है, कोई भी तरह की एक्सरसाइज, ठीक है। आपके दिमाग को आप बिजी रख लोगे ना इन सब कामों में, देखना थॉट प्रोसेस वापस वो थॉट आपके दिमाग में नहीं आए, ठीक है। तो आपको अपने आप को क्या रखना है, बिजी। अब बात रही रिजल्ट किस टाइम पर आएगा, तो देखो सर मैं एक बात बताता हूं आपको, अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं रिजल्ट आपका आएगा लगभग लगभग 7 बजे के आसपास, ठीक है, लगभग 7 बजे के आसपास। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपका रिजल्ट लगभग मेरे हिसाब से आना चाहिए सुबह 11 से 12 के बीच में, ठीक है। अब इंटर वाले बच्चों के दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा कि आखिरकार रिजल्ट इतनी जल्दी कैसे आ गया, हमेशा तो 1.5 महीने लगते हैं। बेटा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द इंटरमीडिएट एग्जाम्स इज वेरी लेस, ठीक है, इसीलिए आपका कंपेयर टू लास्ट अटेम्प्ट इसीलिए आपका पेपर जल्दी चेक हो गया, दैट इज द ओनली पॉसिबल रीजन जो समझ में आ रहा है। अगर कोई और रीजन होगा वो तो जब आईसीएआई शेड्यूल बताएगा कि देखो इतने बच्चे अपियर किए थे तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा, बट अभी तो पॉसिबल रीजन मेरे को यही समझ में आ रहा है। अब आई बात पासिंग परसेंटेजेस की, तो इंटर में अगेन आई एम सेइंग दिस, आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी रॉन्ग, ठीक है, 8 to 10 बोथ ग्रुप, 8 to 10, ठीक है, आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी रॉन्ग, ठीक है, और फाउंडेशन कुछ 18% के आसपास, 18 से 20% के आसपास आना चाहिए, 20 के ऊपर तो नहीं जाएगा मेरे को नहीं लगता, तो 18 से 20% के आसपास आना चाहिए। तो ये था पूरी डिटेल, अब शांत हो जाइए, ऑल द वेरी बेस्ट। रिजल्ट और रिजल्ट के पहले हम लोग दोनों दिन आपके साथ हैं,
29th को हम आपके साथ जुड़ेंगे दिवाली की सेलिब्रेशन के लिए रात को 9 बजे। हम चाहते हैं आप लोग मूड लाइट रखो, एंजॉय करो, थोड़ा सेलिब्रेट करो, क्योंकि दिवाली भी एक ही बार आती है। और भगवान से प्रे करेंगे ना उस दिन, लक्ष्मी माता से सब एकदम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि माता जी रिजल्ट पलट दीजिए, अगर हमारे फेवर में नहीं है तो प्लीज पलट दीजिए, सब साथ में करेंगे, ठीक है। और 30 तारीख को भी सुबह से आपके साथ जुड़ जाएंगे इंटर फाउंडेशन सारे चैनल्स पर रिजल्ट साथ में देखने के लिए, ठीक है। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 55% डिस्काउंट चल रहा है, आप अपने दोस्तों को बता दीजिएगा फाउंडेशन इंटर वालों को कि 55% ऑफ अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट सेल अनअकैडमी पर चल रहा है ऑन कोड CSG। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। याद रखिएगा फाउंडेशन रात शाम को 7 बजे के आसपास, इंटर सुबह 11 बजे।